तो हेलो BWM फैमिली, आज हम फिर से आ गए चेंबूर के लोकेशन में। चेंबूर का सीरीज पार्ट 3 कवर करने, और उसमें हम कवर करने वाले हैं चेंबूर का सबसे अमेजिंग और सबसे माउथ वाटरिंग चाट, जो है गुप्ता चाट सेंटर का। तो गाइस, भूख लगी है और खाना चाहिए, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए शुरू करते हैं आज का भूख का सफर, जहाँ भोज भी है और मौज भी। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ गए गुप्ता चाट सेंटर में। तो देखते हैं अभी क्या क्या खाना है। इधर बहुत सारे चाट के वैरायटीज है, बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ वैरायटीज भी है। थोड़ा बहुत इन्होंने कॉम्बिनेशन वगैरह भी किया है, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह भी किया है। तो अमन, आपका चेंबूर है तो मेरा भी है, मेरा भी चेंबूर, मैं भी चेंबूर में रहता हूँ। तो आप दोनों का चेंबूर है भाई लोग। तो गाइस बता दो क्या क्या खाना है, और अमन तो बचपन से खाता ही आ रहा है गुप्ता जी के पास, तो बता दीजिए भैया जी गुप्ता जी के पास क्या ही खाएंगे अब हम। देखते पहले ऑर्डर तो किया है चीज भेल पूरी। ओके, नाम सुनते ही भाई और अलग है, चीज है यार उसमें, सो मजा आ जाएगा। और क्या है अतुल? मैंने जो ऑर्डर किया है उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, तो एक्चुअली कुछ नाम बट वहाँ पे जाके मेनू वापस देखना पड़ेगा, भूल गया एक्चुअली नाम क्या है। रगड़ा ऑर्डर किया है, रगड़ा पेटिस ऑर्डर किया है मैंने। और मैं खाने वाला हूँ, एक सिंपल खाने वाला हूँ, दही दही भेलपूरी खाने वाला हूँ। तो उससे पहले गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को भोज विद मौज को सब्सक्राइब करें, और बस इतना बस हो गया। तो गाइज मिलते हैं, अभी रेडी हो रहा हमारा ऑर्डर, जब तक के लिए। हेलो BWM फैमिली, आ गया है मेरा सबसे पहला डिश, और ये है चीज भेल। ओ माय गॉड, पूरा चीजी चीजी हो गया है। पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट जो दिख रहा है वो है चीज, दूसरा है ये छोटे चना मसाला दाल, फिर इसके अंदर है भेल एंड कोथमीर शेव। एंड गाइज, भेल में ना ये लोग ने मीठा पानी, कांदा, मसाले सब मिक्स किया है। टेस्ट करता हूँ अभी। चीज चीज गाइज, ये एक होता ना गिल्ला भेल, मीठा भेल, वैसा ही है ये। इसमें सिर्फ चीज डाला ऊपर से। आई विल सजेस्ट, जो सही में चीज लवर होता ना, एकदम चीज चाहिए हर डिश में, चीज चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। अगर आप चीज नहीं भी डालोगे एंड भेल खाओगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगा। हम लोग ने तो जस्ट टेस्ट के लिए लिया है। सो मैं भेल का टेस्ट बताऊँ तो यस, मीठा गिल्ला भेल है, एंड कुरमुरे जो है इसके अंदर का, कुरमुरे एकदम प्रॉपर ना, कुरमुरे टाइप जैसे, ये एकदम क्रिस्प जैसा हो रहा है।
और ये लोग का जो मीठा पानी का टेस्ट आ रहा है एकदम मस्त है, चटपटा। और इमली का पानी गाइज मैं बोलूंगा चीज नहीं प्रिफर करने दूंगा, बिकॉज बोलते ना ऐसा नाम के लिए चीज डाला है लोग ने, मतलब होता है ना सिर्फ दिखावे के लिए। चीज मत लेना आप। और अगर सिर्फ भेल की बात करूं, सीरियसली सुपर है जो चना मसाला है, ये चना ये भी प्रॉपर है, कोथमीर वगैरह है। तो मैं इसको 10 में से दूंगा 8। तो यस, ये था मेरा चीज भेल। अभी नेक्स्ट जो रुचि के ट्राई करेगा देखते हैं। मेरा डिश आ गया, मेरा चाट आ गया है। तो मैंने मंगाया था दही रगड़ा पूरी। वो पहले बोलने में थोड़ा दही सेव पूरी बोल दिया, बट नहीं, दही रगड़ा पूरी खाना था। तो या और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत हरा भरा लग रहा है। पहले तो बहुत कलरफुल लग रहा है, तो आई गेस इसमें बहुत सारे कलर्स है। पहले दिखा दो क्या क्या है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेव दिख रही है, कोरिएंडर दिख रही है, और यू नो बहुत ही चिल्ड दही, ठंडा ठंडा दही दिख रहा है, और बहुत गर्म है नीचे से। तो आई गेस रगड़ा भी है, बहुत गर्म गर्म रगड़ा है। और यू नो कि हरी चटनी है, खजूर की मीठी वाली चटनी है, स्वीट चटनीज भी है। तो बहुत सारी चीज़ें, और बहुत हैवी लग रहा है मुझे। तो खा के देखते हो एग्जैक्टली कितना हैवी, और टेस्ट कर लो अभी। तो चलिए लेट्स डीप इन टू दिस हेवन। तो ओके, गाइस जैसा बोला था वैसे ही है। बहुत हैवी है, बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत भरा पड़ा है। मतलब रगड़ा पूरा ऊपर तक उन्होंने भरा है, उन्होंने शेव भी बहुत अच्छी तरह से डाली है। और आई गेस चना दाल भी है मसाले वाली, और बहुत सही है। मतलब इनकी जो चटनी है ना बहुत सही लग रही है, दही के टेक्सचर से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। एक माइनर डिफरेंस बोल सकता हूँ कि आई गेस मुझे दही रगड़ा पूरी है तो ना, और मुझे ना दही रगड़ा पूरी ज़्यादा फ्लेवरफुल ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी कम फ्लेवरफुल लग रही है मुझे। तो रेटिंग के हिसाब से आई गेस दही रगड़ा पूरी को इतना कभी कम देता नहीं हूँ, बट आई गेस 7 7/10, क्योंकि थोड़ा सा कम लगा। तो या 7/10 ख़त्म करता हूँ दही रगड़ा पूरी। और फिर अतुल भी कुछ तो खाने वाला है, तो वो उधर सेंटर पे है, देखता वो क्या ले रहा है और क्या कर रहा है। हेलो गाइस, जो मेरा मैंने ऑर्डर दिया था रगड़ा पेटिस, वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है और मैंने इसको ले भी लिया है। तो इसको मैं टेस्ट करने से पहले बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, और इसके मतलब देखते ना अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब ऊपर से कैसे इसको सजाया गया वगैरह। तो पहले मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो आ जाओ उसको दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी ऑनियंस है, कोरिएंडर है, और आप देख सकते हो क्या है ये ना, मेरे को छोले लग रहे हैं, बट ये रगड़े का कुछ तो दाल जैसा कुछ तो है, आई थिंक चना है। और मसाले वगैरह भी दिख रहे हैं इसमें। और आप ये दो दिल देख सकते हो, एक दिल तो मेरा है, दूसरा शायद आपका हो सकता है। ओह माय गॉड,
तो दिल का तो ठीक है, अभी मैं इसको टेस्ट करता और बताता हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है और स्पाइसी है या फिर कैसा टेस्ट, मसाले वसाले कैसा है, मैं इसका बताता हूँ टेस्ट करके। चलो फिर पहले मैं इसको रगड़ा टेस्ट करता हूँ, उसके बाद इसको मैं जो दिल है उसके साथ टेस्ट करता हूँ। तो गाइज मैंने अभी यहाँ पे रगड़ा टेस्ट किया, तो आप यहाँ पे रगड़ा में मुझे ना एक खट्टा मीठा जैसा लगा था, लग रहा है कि मतलब उसमें तीखी चटनी भी डाला हुआ है और मीठी चटनी भी है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा लग रहा है कि चटपटा है, ज़्यादा चटपटा लग रहा है। तो अभी मैं इसको दिल के साथ कंबाइन करके टेस्ट करता और बताता हूँ इसके साथ कैसा लग रहा है। एक्चुअली में ना जो इसको पटेटो मतलब बॉयल दिल बनाया है, इसको पटेटो का वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि देखो ना मैं इसको खाते ही ना सर मुँह में ना टूट गया, इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा बॉयल किया हुआ है। और इसका टेस्ट हो जो बाकी पेटीज थे या फिर इसको बोल सकते हैं आलू जैसे बनाते हैं बॉयल वगैरह करके, बहुत अच्छा है, टेस्ट वगैरह भी अच्छा है। और मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 9 दूंगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं इसको अभी ख़त्म कर दूँ। तो गाइस भेलपूरी खा लिया है, गुप्ता भेलपूरी का बहुत मज़ा आया, एंड जो भी टेस्ट वगैरह था वो तो बता ही दिया। एंड गाइस मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, हम लोग ने इधर का पानी पूरी कवर नहीं किया है, और उसका एक रीज़न है ये है कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है चैलेंज वीडियो, और वो किस पे होने वाला है गाइस, पानी पूरी चैलेंज। पानी पूरी चैलेंज होने वाला है, तो फिर इधर पानी पूरी टेस्ट करके क्या मतलब। तो हम लोग ने सोचा पानी पूरी चैलेंज वो वीडियो में दिखाएंगे, एंड इधर का भेलपूरी शेवपूरी सब कवर करके बताएं। एंड क्या बोलना है ऋषिकेश? तो गाइस यही था हमारा आज चेंबूर का चाट का सफर, जहाँ पे बहुत सारे चाट टेस्ट किए, मज़ा आया, अच्छे लगे, कुछ अच्छे नहीं लगे, कुछ ठीक लगे, बट या ओवरऑल व्लॉग में बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय भी किया। और चैलेंज वीडियो के लिए आपसे बहुत डिमांड आ रही है, बहुत सारे चैलेंज के पनिशमेंट्स की डिमांड आ रही है, जो मतलब नेक्स्ट लेवल की पनिशमेंट है, तो सोचेंगे। एक्चुअली गाइस वीडियो में ना मतलब हम पर्सनली हमको कैसा लगा मतलब उनका टेस्ट वगैरह अकॉर्डिंग, मतलब उसके वजह से हमने उससे रिलेटेड अपना रिव्यू दिया कि हमको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, कैसा टेस्ट वगैरह था। ओके था, अच्छा अगर था। आपको अच्छा लगा तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हमको जो अच्छा लगा हमने उसके रीजन से आपको बताया कि कैसा टेस्ट वगैरह था। ओवरऑल अगर मैं पूरे इस सेंटर को रिव्यू देना चाहूंगा तो यस इट्स गुड, अफोर्डेबल थोड़ा नहीं होगा बिकॉज नाम है इस शॉप का बहुत टाइम से एंड बहुत फेमस शॉप है, सो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना मिनिमम 50 रुपीज का बजट है, सो यस इसको मतलब थोड़ा हाइजीन वगैरह भी, हाँ बाकी जो स्ट्रीट फूड से है तो उससे थोड़ा हाइजीन है, सो यस हाइजीन का पैसा है, बट यस जितना हम लोग को रिव्यू में लगा ओवरऑल जो हम लोग ने रेटिंग दिया हमारे हिसाब से दिया, आप आ सकते हो टेस्ट कर सकते हो, एंड हमारे वोज विथ मोज को टैग जरूर करना अगर आप आओगे खाने तो। सो यस क्या करना है अतुल, लाइक शेयर, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारे वीडियो को आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी और कहाँ कहाँ पे जाए जो आपके लिए ऐसे वीडियो लाए, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, हमारे चैनल का नाम क्या है, गोज विद मौज। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सो दिस इज ऋषिकेश पाटिल, दिस इज अतुल राम, दिस इज अमन गोरी साइनिंग आउट, जब तक के लिए खाओ खिलाओ और मौज करो।